तो मैं नियाग्रा फॉल के बेस के ऊपर घूम गया हूँ टनल के थ्रू, तो इसलिए ये मेरे जो कपड़े वपड़े हैं सब गीले हो गए थे, दाढ़ी भी ख़राब हो गई है। लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूँ यूएस से जाने की पैदल। टाइम मेरे पास है 7 बजे की ट्रेन मैंने लेनी है, गो ट्रेन जो कि मुझे यहाँ से टोरंटो पहुँचाएगी। तो अभी टाइम हुआ है 4 बजे, तो अगर तो इमिग्रेशन में रश हुआ तो मैं नहीं जाऊँगा, अगर कम रश कम हुआ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूएस को भी हाथ लगा के आ जाऊँ। ये पीछे कनाडा और ये रेनबो ब्रिज है, इसके ऊपर मैंने चल के ये है जी ड्यूटी फ्री। कितने ये हमारी मेम साहब है जी, और ये पैदल जाने के लिए रास्ता बना है यूएसए में। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, मैं देखता हूँ दरवाजे के आगे तो लिखा टू यूएसए। ये शायद मुझे लगता है कि पासपोर्ट वगैरह देखेंगे तभी यहाँ से अंदर जाने देंगे। लेट्स सी, पासपोर्ट मैं लेके आया हूँ। और ये इधर है नियाग्रा फॉल, ये कनाडा, और अब मैं देखता हूँ जाके कितना टाइम लगता है आगे। पेडेस्ट्रियन टोल ब्रिज $1/person रिक्वायर्ड एट चेंज अवेलेबल इनसाइड ओके। ये लगता है कि इमिग्रेशन अथॉरिटीज ने $1 लेंगे ये, तो चेंज भी दे रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी दोस्तों, ये आपका दोस्त वास्को डी गामा आज पहुँच रहा है एक बड़े ही मज़ेदार जगह में। कनाडा में खड़े होके पैदल जाऊँगा यूएसए में, और इन्होंने इस जगह के ऊपर हमसे $1 मेरे पास कैनेडियन डॉलर थे उसको इन्होंने कन्वर्ट किया यूएसए डॉलर में, और $1 फीस ली है इस पुल को पैदल पार करने की। और ये जो चीज़ मैं कैमरा चेंज करके दिखलाता हूँ, ये वाले लोग जो यूएसए से जाएंगे ना कनाडा की तरफ, ये उनका इमिग्रेशन का ऑफिस है कनाडा वालों का, ये ऊपर लिखा हुआ है। मैं आगे चलता हूँ जी पैदल, देखते हैं कहाँ तक कैसे जाने देते हैं, टाइम थोड़ा कम है, देखते हैं भगवान भले ही करे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये है सामने जी, ये अमेरिका का बॉर्डर, पीछे एक फोन आया घर से पता नहीं क्या खबर दे रहे हैं। और ये है जी कनाडा वाली साइड, ये मेरी एक और एडवेंचर हो रही है जी बड़ी बड़ी, उल्टा चल रहा हूँ मैं कनाडा से अमेरिका जाने के लिए। चेंज करो भैया। ये है जी हम जा रहे हैं कनाडा और यूएसए के बीच में है, ये पीछे है नियाग्रा रिवर, ये अमेरिकन फॉल्स, ये हॉर्सशू फॉल, और ये कनाडा के सेंटर, अलग अलग एंटरटेनमेंट। $1 ले लिया एक आदमी का पुल पार करने के लिए, 80 × 160 रुपये। चलो भैया इंडिया ने हम इसी में कैलकुलेट करेंगे। ये है जी अमेरिका। लो जी हम जा रहे हैं एडवेंचर करते हुए। ये हमारी मेम साहब ने भी कहा भी पहली, बहुत ठंडी ठंडी आवाज चल रही है। ओए ओए, ये एक साइड पे कनाडा का झंडा है, दूसरी साइड पे यूएसए का झंडा है, ये हाफ वे है, ये क्या शायद कोई निशान लगाया हुआ है। हाँ ये लगा हुआ है ये, हाँ ये वाली जगह जो मैं पहुंच गया जी। अरे वाह 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 वाह, मजे आ गए। ये देखिए जी, तो रुको रुको, ये वाला मेरा फॉर्म कनाडा में, और मैं पहुंच गया यूएसए में, वीजा है मेरे पास। और ये दूर भी लगा रखे, टाइम थोड़ा कम है, बाद में देखूंगा। और सामने ये जो है ना जी यूएसए का इमिग्रेशन ऑफिस है, वहाँ जाके देखते हैं कितना टाइम लगता है। मजे आ रहे हैं बहुत ही, ये दूसरी साइड के व्यूज हैं। ये मैंने अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड की थी क्रॉसिंग द यूएसए बॉर्डर, उस टाइम मैं गया था कार में ट्रेवल किया था, आज कर रहा हूँ पैदल। तो वे वीडियो भी बड़ी मजेदार थी, उसमें मैंने यहाँ से उस टाइम कार में गया था, तो आगे का जो इमिग्रेशन वाला मैं पूरा नहीं दिखा पाया था, शायद कैमरे मुझे आगे अलाउड नहीं करेंगे। तो वहाँ मैंने न्यूयॉर्क भी पूरा कवर किया था, वे भी आप देखना मेरे चैनल न्यू नॉर्मल डांबा के ऊपर। ये है जी सारा यूएसए का इमिग्रेशन
ऑफिस मैं आ गया जी। और नजदीक अब पहुंच गया यूएसए में। पता नहीं वीजा का यहाँ कहाँ क्या क्या सिस्टम है, जाना पड़े। पेडेस्ट्रियन की लाइन तो बनी हुई है और आगे देखते हैं क्या करते हैं। ये हमारी मैडम जी कनाडा से अब अमेरिका पहुंच चुकी हैं टू पास नियाग्रा रिजर्वेशन। तो ये सारा है जी कनाडा का इमिग्रेशन ऑफिस, यहाँ से हमने क्लीयरेंस ले ली है। अब जाएंगे नियाग्रा फॉल कनाडा वाली साइड में। टाइम बहुत कम है, 15 मिनट है। अमेरिका वाली तो आई तो आ गए है ना, उसके बाद कनाडा जाएंगे। ये यूएस बॉर्डर कस्टम या कुछ दे रखे, तो हम टाइम नहीं वेस्ट करते, चलते हैं आगे। चलो। ये है जी हमारी मेम साहब से हेड कवर करके, और ये अमेरिका के दर्शन है जी। अट्रैक्शन, टिकट, सोवनर्स, शॉप्स, वेलकम नियाग्रा फॉल स्टेट पार्क यूएसए, फॉल्स एंड वेलकम सेंटर, होटल एंड डिस्ट्रिक्ट। ये है जी सब, यहाँ लोग पार्क करके आते हैं। ये अमेरिका वाली साइड है, और ये जो है कनाडा से भी आते हैं यहाँ पार्क करते हैं, और उसके बाद ये जो है इमिग्रेशन ऑफिस के पीछे है। वहाँ में हम पिछली दफ़ा आए थे तो हमारा बहुत टाइम लगा था। अब ये चलते हैं जी आगे। ये पार्क है, ये है जी विजिटर सेंटर लेफ्ट साइड में, और मेड ऑफ द मिस्ट जो फेरी है उसका यहाँ से चलने का पॉइंट बना है। हम लगता है कि थोड़ी देर आगे हो आते हैं। ये पीछे मुझे लग रहा नज़र आ रहा है कनाडा। आ जाओ फॉल्स व्यूइंग किधर है? हाँ आगे है ना। ये है जी इमिग्रेशन ऑफिस अमेरिका का। ये अब हम घूम रहे हैं जी अमेरिका में नियाग्रा फॉल पार्क में। टाइम, अरे यार यहाँ भी फॉल सीजन शुरू हो गया है ना जी, तो इसमें कलर बहुत प्यारे प्यारे नज़र आ रहे हैं। तो फॉल्स की वीडियोस तो आपको बहुत सारी नज़र आने वाली है मेरे चैनल के ऊपर। ये अमेरिका के एक और नज़ारे देखो, यहाँ के भिखमंगे कैसे होते हैं, म्यूजिक चला रहे हैं और भाई अल्लाह के नाम पे जिसने देने दे जाओ। ये सामने नजर आ रही है जी नियाग्रा रिवर। ये हम है जी अमेरिका में रिवर नियाग्रा के ऊपर, और ये जो है ना इसके नीचे गिर रही है। ये अमेरिकन फॉल है, हॉर्स शू फॉल जो है, जिसके नीचे की अभी हम एक घंटा पहले होके आए हैं, वह दूसरी तरफ है। और ये है जी सब कैसीनो के, मतलब कनाडा के कैसीनो। और अगर टाइम मिला तो हम जाएंगे फिर उसमें यहाँ भी। लेकिन कितना ये फ्लो कितना तेज है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी मैडम बोलो, कितना फ्लो तेज है बोलो? बहुत तेज है, शाबाश। ये जी अब हम अमेरिका वाली साइड से नियाग्रा फॉल के दर्शन करके आ गए हैं, और ये अब यूएसए का इमिग्रेशन ऑफिस है। ये हम पैदल ही रेनबो ब्रिज पार करके जाएंगे, और मुझे ये टेंशन हो रही है कि वहाँ कनाडा इमिग्रेशन वाले भी ज़्यादा टाइम ना ले लें। इन्होंने तो 10 मिनट लिए सिर्फ यूएसए वालों ने। ये पैदल आने वालों की एक अलग वे काउंटर बना होता है, तो यहाँ भी लगता है कि पैदल का अलग ही काउंटर होगा कनाडा वाली साइड में। देखते हैं जी क्या नियाग्रा फॉल स्टेट पार्क यूएसए। सी यू अगेन सून। पेडेस्ट्रियन एक्सेस टू कनाडा। ये चलो जी ये है जी एंट्री टू कनाडा। ये रास्ता बना हुआ है, ये यूएस वाला पार्ट है, यूएस इमिग्रेशन का पार्ट है। आ गए इसी रास्ते से हम वहाँ कनाडा से यूएसए आए थे लगे आधा घंटा पहले। अब हम हेलो ये फिर जा रहे हैं बैक टू पवेलियन कनाडा। दो बाइसिकल्स ऑन वॉक वे एंट्री टू कनाडा। यूएस इमिग्रेशन में ये स्टेट का भी झंडा लगा हुआ है लगता है, मुझे पता नहीं है पर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ। ये सब कार हैं जी जो वहाँ यूएसए जा रही हैं कनाडा से। पिछली दफ़ा मैं भी ऐसे ही आया था। ये जी यूएसए अब घूम के आ गए हैं, और अब हम जा रहे हैं पैदल कनाडा। और ये सनसेट क्या ज़बरदस्त चीज़ है। ये पेडेस्ट्रियंस के लिए जो इमिग्रेशन ऑफिस ने ये अलग पॉइंट बनाए हुए हैं, और यूएसए वालों तो ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। यहाँ थोड़ा रश लग रहा है,
अंदर स्टाफ कितना है ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, तो हम घूम के आ गए जी कनाडा से अमेरिका और अमेरिका से फिर बैक टू कनाडा। ये है जी गो ट्रेन, रात के टाइम हम नियाग्रा फॉल का पूरा राउंड लेने के बाद इसी से वापस जा रहे हैं अपने घर। ये पोर्ट क्रेडिट का रेलवे स्टेशन है जहां हम उतरे हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा नियाग्रा फॉल ट्रिप ख़त्म होता है और ये मुझे लगता है 4 एपिसोड में बनेगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप प्लीज़ मेरे में कमियां बताइए सो दैट कि मैं इम्प्रूव करके आपको ज़्यादा अच्छा सर्व कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।